जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्यमुखी मत्स्य चिन्ह के बारे में, जिनका संबंध केतु से है। उसमें भी दोहरी मत्स्य चिन्ह यहाँ पे अंकित है, और उनके शुभ परिणाम के बारे में आप जानेंगे, जो कि अगर किसी भी व्यक्ति के हथेली पे अंकित हो तो वो व्यक्ति किस्मत का धनी माना जाता है और उसे अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता। आइए जानते हैं उस रेखा के बारे में, खास चिन्ह। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में जहाँ पे शुक्र और चंद्र का आपस में मिलन हो रहा है, इस क्षेत्र में नीचे की तरफ केतु से संबंध होके एक खास रेखा का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इनका संबंध पूर्णतया केतु के इस क्षेत्र से है। केतु के क्षेत्र से संबंधित हो और सूर्यमुखी हो, या बुध की तरफ हो, या गुरुमुखी हो, या शनिमुखी हो, या मंगल की तरफ, या शुक्र या चंद्र की तरफ, कहीं भी अगर मत्स्य चिन्ह होता है तो ये व्यक्ति के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी विपदा का सामना नहीं करना पड़ता। ये जीवन में हमेशा प्रगति के पथ पे आरूढ़ रहते हैं। करियर की बात ले लो, पारिवारिक जीवन की बात ले लो, वैवाहिक जीवन की बात ले लो, सामाजिक जीवन की बात ले लो, हर एक स्तर से ये व्यक्ति हमेशा प्रगति के पथ पर आरूढ़ ही रहता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा नाम, पैसा, धन और शोहरत, सारी चीज़ें कमाता है और इन सारी चीज़ों का जीवन भर उपभोग करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति से भी बेहतर दिमाग का उपयोग करके और किस्मत के भरोसे निकल जाता है बाहर की तरफ और आगे एक बेहतर जीवन को प्राप्त करता है। ऐसे लोग अगर किसी के साथ मिल जाएं, किसी का सहयोग करने लगे, तो अगर किसी की बुरी किस्मत भी है तो उनके लिए भी जीवन एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ जाता है। ऐसे लोग कला के बहुत धनी होते हैं और जीवन में विभिन्न प्रकार की कलाओं में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में इनका सहयोग प्राप्त होता है। खासकर सूर्यमुखी होने के कारण क्या होता है कि इन व्यक्तियों में चीज़ों को समझने की, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, इनोवेशन की, ये सारी चीज़ें अत्यधिक पाई जाती है। खासकर ये लोग कला के क्षेत्र में अगर बात करें तो जैसे किसी प्रकार का अभिनय करना हो, ठीक है, किसी प्रकार के इनोवेशन हो, चीज़ों को आसान से समझाना हो किसी को, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, ठीक है, ऐसे कार्यों में ये लोग काफ़ी प्रवीण होते हैं। और इसके साथ ही अगर मंगल का कुछ सहयोग मिल जाए तो ऐसे लोग धूर्तता में भी काफ़ी उत्तम निपुण होते हैं, जिसे आप कपटी कहते हैं या छली कहते हैं। एक किसी को भी किसी भी प्रकार से बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करने में माहिर होते हैं। और मतलब एक कहावत है ना कि बाहर में जाए जनता अपना का मनता, तो उस तरीके की भी इनकी मेंटिलिटी उत्पन्न हो जाती है अगर कुछ खास रेखाओं का संयोग इसमें हो जाए तो। अब यहीं पे क्या है कि गुरु का एक बेहतर संयोग और शनि का मिल जाए तो ऐसे लोग अत्यधिक पुण्यात्मा हो जाते हैं। ऐसे लोग विभिन्न क्षेत्रों में कला के अन्य और खासकर सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान कायम करते हैं और देश दुनिया के काम आते हैं। सूर्य का चिन्ह का सहयोग यहाँ पर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अपना बहुत नाम करते हैं, एक बेहतर जाने माने लीडर की भूमिका में नजर आते हैं। चंद्र की तरफ इनका झुकाव हो जाए तो ये लोग विदेश में जाके अपना झंडा फहराएंगे, वहाँ जाके अपने आप को साबित करेंगे, बिजनेस में बहुत दूर तक जाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, और आर्थिक रूप से यानी कि फिनेंशियली एक बेहतर, जिसे आप धनी से भी ज़्यादा धनी कह सकते हैं, वैसी स्थिति में व्यक्ति पहुँच जाता है। गाड़ी, घर, बंगला, ये सब चीज़ें इन लोगों के लिए आम बात होती है। इन लोगों के मन में बस एक ही चीज़ होती है कि अपना नाम, पहचान ऐसा बना के रखना, ऐसे चीज़ों को सामने पेश करना कि दुनिया बरसों तक उन चीज़ों को याद रखे। तो ये सारे गुण व्यक्ति के यहाँ पे होने से उन लोगों में ऐसी चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि कई दफ़े आप सोचते होंगे या देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी रेखाएं जिनके बारे में अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन तरीके से उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, इसमें क्या होता है कि चिन्ह, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, बिल्कुल अस्पष्ट चिन्ह है, वैसे ही सारे चिन्हों के ना अपने बल होते हैं। इसके अलावा जो पूरी हस्तरेखाएँ इनका भी काफ़ी ज़्यादा इस पर असर होता है। इसे इस तरीके से समझो कि एक स्कूल में एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सारे बच्चे प्रथम श्रेणी को ही प्राप्त हो रहे हैं? क्या सारे बच्चे बाहर निकल के एक खास पद को ही प्राप्त हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे ही हैं, एक ही क्लास में हैं, ठीक है, यानी कि हमारे हाथ में है, सारी रेखाएं हैं, हमारी रेखा भी उसी तरीके से है जैसे उसकी है, जैसे उसका बच्चा है, लेकिन सबकी अपनी एक चीज़ों को समझने की अलग क्षमता होती है, देखने की अलग क्षमता होती है, मनन करने की अलग क्षमता होती है। उसी प्रकार से सेम रेखा होते हुए भी इनकी अपनी कार्यप्रणाली, इनका अपना बल के ऊपर
निर्भर करता है कि किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा अन्य रेखाओं की स्थिति के द्वारा पता चलता है कि किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन मूल रूप से अगर कुछ खास बेहतरीन चिन्ह आपके हाथों में अंकित है तो यह स्पष्ट तौर पर पहली बाधा से आपको आगे की तरफ लेके जाता है। और ऐसा व्यक्ति कि अगर और भी रेखाएं अच्छी हो या जीवन में और भी ज़्यादा आगे की तरफ संघर्ष करे तो व्यक्ति उन चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर लेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।